स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 3B की हाइडिंग नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। क्या दी आपकी सेकंड हाइडिंग? सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स दिए, इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट दिया है आपका रवि पुट्स टू बुक्स एंड श्याम पुट्स थ्री बुक्स ऑन द टेबल। हाउ मैनी दे हैव ऑल टूगेदर, यानी रवि ने टू बुक्स रखी एंड श्याम ने थ्री बुक्स रखी। कहाँ पर? ऑन द टेबल, यानी टेबल पर। हाउ मैनी दे हैव ऑल टूगेदर, यानी दोनों ने मिलकर कितनी बुक्स टेबल पर रखी। करते हैं हम सॉल्व। आपको फर्स्ट स्टार्ट ये वाली बन जाएगी, रवि बुक्स टू बुक्स। देखिए आप कैसे करेंगे सॉल्व। हम रवि पुट्स बुक्स ऑन द टेबल। कितनी बुक्स रखी है अभी ने? टू। तो इसका टू बना के टू आ गया। फिर क्या लिखा है आपका? एक्शन पुट्स थ्री बुक्स ऑन द टेबल। तो सेकंड स्टार बन गई आपकी, श्याम पुट्स बुक्स ऑन द टेबल। कितनी रखी श्याम ने? थ्री। टू के नीचे थ्री। क्या लिखा है आगे? हाउ मैनी दे हैव ऑल टुगेदर, यानी दोनों ने मिलकर कितनी बुक्स रखी। प्लस कर देंगे कितना आएगा आंसर? टू में थ्री प्लस करेंगे तो फाइव आ जाएगा। यानी टोटल कितना है आपका? फाइव। दोनों ने मिलकर कितनी बुक्स रखी टेबल पे? फाइव। ओके, अब हम करते हैं सेकंड वाला वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, देयर आर 12 पैकेट्स ऑफ ग्लूकोज बिस्किट्स, 15 पैकेट्स ऑफ कोकोनट बिस्किट्स एंड 21 पैकेट्स ऑफ बटर वाइट बिस्किट्स इन ए कंटेनर। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स आर इन द कंटेनर, यानी 12 पैकेट्स है ग्लूकोज बिस्किट्स के, 15 पैकेट है कोकोनट बिस्किट के एंड 21 पैकेट है आपके बटर वाइट बिस्किट के। इन अ कंटेनर, यानी एक कंटेनर में। ठीक है, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स आर इन द कंटेनर, यानी आपको बताना है कि एक कंटेनर में कितने पैकेट्स है बिस्किट के। ठीक है, ये सारे अलग अलग वैरायटी के बिस्किट्स के पैकेट को मिलाकर टोटल कितने पैकेट है कंटेनर में। ठीक है, कंटेनर मीन्स क्या होता है? आप एक कह सकते हैं टिन या फिर कैन वगैरह हम बोल सकते हैं कंटेनर को। ठीक है, यानी एक प्रकार का डिब्बा, उसके अंदर ये अलग अलग वैरायटी के बिस्किट्स है। तो टोटल बताना है आपको कितने हैं वो। ठीक है, चलिए करते हैं हम सॉल्व इसको। फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे पैकेट्स ऑफ ग्लूकोज बिस्किट्स। ठीक है, आपको फर्स्ट लाइन में दी गई है ग्लूकोज बिस्किट की, तो हमने लिख दिया पैकेट्स ऑफ ग्लूकोज बिस्किट्स इज इक्वल टू कितने हैं? 12। सेकंड में दिया है आपको 15 पैकेट्स ऑफ कोकोनट बिस्किट्स, तो हम यहाँ लिखेंगे पैकेट्स ऑफ कोकोनट बिस्किट्स। तो कोकोनट बिस्किट्स के कितने पैकेट है आपके? 15। तो हमने 15 लिख दिया इज इक्वल टू लिखिए। ठीक है, आप क्या लिखा है? 21 पैकेट्स ऑफ बटर वाइट बिस्किट, तो यहाँ लिखेंगे हम पैकेट्स ऑफ बटर वाइट बिस्किट्स। ठीक है, कितने हैं आपके बटर वाइट बिस्किट्स के पैकेट? 21। तो यहाँ हमने लिख दिया इस इक्वल टू बना के 21। अब क्या पूछा गया है इसमें? हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स आर इन द कंटेनर, यानी कंटेनर में कितने पैकेट्स हैं बिस्किट के। हम टोटल लगाएंगे तो प्लस का साइन बनेगा। ओके, प्लस करेंगे
देखते हैं आप देख लेकर टू लिखा है तो टू लाइन बनाइए, फिर प्लस करना है आपको फाइव फाइव लाइन, फिर प्लस करना है आपको वन तो वन लाइन। अब इन लाइनों को क्या करते हैं, टोटल लगाते हैं, टोटल लगाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो टोटल कितना आ गया आपका एट। अब इस साइड का हम करेंगे प्लस, यहाँ क्या लिखा है वन तो वन लाइन, फिर प्लस करना है आपको वन तो वन लाइन, फिर प्लस करना है आपको टू टू लाइन बना देंगे। अब इन लाइन को क्या करते हैं, टोटल लगाते हैं वन टू थ्री फोर, टोटल कितना आ गया फोर। यानी क्या लिखा है इसमें, पैकेट ऑफ ग्लूकोज बिस्किट के 12 है, पैकेट्स ऑफ कोकोनट बिस्किट्स इज इक्वल टू 15 एंड पैकेट्स ऑफ बटर वाइट बिस्किट इज इक्वल टू 21। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंटेनर में कितने पैकेट्स हैं बिस्किट के, तो हमने सभी अलग अलग वैरायटी के बिस्किट्स के पैकेट को प्लस करा, टोटल कितना आ गया हमारा 48। यानी कंटेनर में इन सभी अलग अलग वैरायटी के बिस्किट्स के पैकेट कितने हैं, टोटल 48। ओके, हम करेंगे थर्ड वाली वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन लिखा है देयर आर 12 एप्पल्स इन ए बास्केट, विशाखा पुट्स 5 एप्पल्स एंड तरुण पुट्स 10 एप्पल्स इन इट, हाउ मैनी एप्पल्स आर नाउ इन द बास्केट। क्या लिखा है क्वेश्चन में, देयर आर 12 एप्पल्स इन अ बास्केट, यानी एक बास्केट में कितने एप्पल्स हैं, 12 एप्पल्स। विशाखा पुट्स 5 एप्पल्स, यानी विशाखा ने उसमें 5 एप्पल रखे, एंड तरुण पुट्स 10 एप्पल्स इन इट, और तरुण ने कितने रखे उसमें, 10 एप्पल्स रखे। हाउ मैनी एप्पल्स आर नाउ इन द बास्केट, तो आपको ये बताना है कि अब बास्केट में कितने एप्पल्स हैं। करते हैं हम स्टार्ट, फर्स्ट स्टार्ट हम लिखेंगे एप्पल्स इन ए बास्केट, बास्केट में कितने एप्पल्स है इज इक्वल टू 12। सेकेंड स्टेप हम लिखेंगे विशाखा पुट्स 5 एप्पल, यहाँ बन जाएगी सेकेंड स्टेप विशाखा पुट्स एप्पल्स इज इक्वल टू कितने रखे विशाखा ने 5, तो यहाँ आ गया आपका 5। फिर क्या लिखा है एंड तरुण पुट्स 10 एप्पल्स इन इट, तो थर्ड स्टेप बन गई आपकी तरुण पुट्स एप्पल्स, तरुण ने कितने एप्पल्स रखे 10 रखे, तो यहाँ पर 10 आ गया। अब क्या लिखा है आगे, हाउ मैनी एप्पल्स आर नाउ इन द बास्केट, यानी अब बास्केट में कितने एप्पल हैं, तो आपको टोटल बताना है, प्लस का साइन बनेगा, प्लस करेंगे हम। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना कि 5 कहाँ पर आएगा, 5 एक सिंगल डिजिट है, तो ये कहाँ पर आएगी आपकी इन डिजिट के वंस प्लेस पर, ठीक है। जैसे 12 लिखा है तो 12 में 1 के नीचे नहीं लिखना आपके, आपको 5 2 के नीचे आएगा 5, ओके, नहीं तो आप इधर लिख देंगे तो आपका पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 एक सिंगल डिजिट है, तो ये सिंगल डिजिट आएगी आपकी और डिजिट्स के वन प्लेस पर, ओके, यानी टू के नीचे आएगा आपका 5। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, प्लस करते हैं, यहाँ क्या लिखा है आपका 2, तो 2 लाइन बनाइए आप, प्लस 2 के नीचे क्या दिया है आपको 5, 5 लाइन, तो 5 के नीचे 0 दिया है, तो 0 का तो कोई सेंस ही नहीं होता, क्योंकि अगर हम डिजिट्स पे 0 को प्लस करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम डिजिट्स को ही प्लस करेंगे, ओके। कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 में 0 मिलाएंगे तो कुछ नहीं, 7 नहीं आएगा आपका, तो यहाँ आ गया आपका 7। अब यहाँ पे लिखा है 1, इधर कुछ नहीं है, इधर लिखा है 1, तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा, तो यहाँ आ गया आपका 2, टोटल कितना आ गया आपका 27। यानी बास्केट में टोटल एप्पल्स कितने हैं, 27, 12 पहले से ही थे, विशाखा ने उसमें 5 रख दिए और तरुण ने उसमें
बास्केट में कितने एप्पल्स हैं? तो बास्केट में कितने एप्पल्स हैं टोटल? 27, ओके? हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम फोर्थ वाली। ए फार्मर हैज 23 काउस, हिज सन हैज 12 काउस एंड हिज ब्रदर हैज 10 काउस। हाउ मैनी काउस डू दे हैव इन ऑल? क्या लिखा है क्वेश्चन में? ए फार्मर हैज 23 काउस, यानी एक किसान के पास कितनी काउ है? 23। हिज सन हैज 12 काउस, उसके बेटे के पास 12 काउस है यानी गाय है। एंड हिज ब्रदर हैज 10 काउस, और उसके भाई के पास कितनी? 10 काउस है यानी गाय है। हाउ मैनी काउस डू दे हैव इन ऑल, यानी उन सभी को मिलाकर उनके पास कितनी काउस है ये आपको बताना है। करते हैं हम स्टार्ट। क्या लिखा है? फर्स्ट ए फार्मर हैज 23 काउस, यानी फर्स्ट स्टेप आपकी ये वाली बनेगी। ओके, स्टेप है कि फार्मर हैज काउस, कितनी काउस है फार्मर के पास? 23। तो यहां हमने इस वर्ड में 23 लिख दिया। हिज सन हैज काउस, के बेटे के पास कितनी है? तो सेकंड स्टेप बन गई, हिज सन हैज काउस, कितनी गाय है उसके बेटे के पास? 12। तो हमने 12 लिख दिया। एंड हिज ब्रदर हैज 10 काउस, थर्ड स्टेप आपकी बन गई, हिज ब्रदर हैज काउस, कितनी है उसके भाई के पास? 10 is equal to बना के 10 लिख देंगे। अब क्या लिखा है क्वेश्चन में? How many cows do they have in all? यानी कितनी cows हुई टोटल? सभी की cows को मिलाकर प्लस करेंगे 3 के नीचे 2 और 2 के नीचे 0। 3 में 2 को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका टोटल? 5 आएगा, 5 लिख देंगे। 2 के नीचे 1 और फिर इसके नीचे 1, 2 में 1 प्लस करेंगे कितना आएगा? 3, और 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा आपका। ओके, यानी टोटल आपका कितना आ गया? 45। यानी फादर के पास 23 काउस है, उसके बेटे के पास 12 है और उसके भाई के पास 10 है। तो इन तीनों के काउस को मिलाकर टोटल कितनी काउस हो गई आपकी? 45। ओके, आ जाएगा 1,
के नीचे वन और फिर टू लिखा है, वन में वन प्लस करेंगे तो कितना आएगा, टू आएगा, और टू में टू प्लस कर देंगे तो फोर हो जाएगा, तो उसके नीचे फोर आ गया। टोटल कितना आ गया आपका 48, ठीक है। यानी ब्लू येलो एंड रेड शार्पनर्स टोटल कितनी है शो पर, 48। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में आए होंगे, तो आप इन वर्ड प्रॉब्लम्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और घर पर इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।